नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनवेश। आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोजेक्ट और आइए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा सेक्शन, जिसमें हम जो हमारी स्टैटिक साइट बन चुकी है उसको बनाएंगे फुल डायनेमिक। और डायनेमिक बनाने के लिए हम उसमें यूज़ करेंगे पीएचपी और MySQLi का, और सारे जितने हमारे लेटेस्ट फंक्शन, लेटेस्ट फीचर, जितनी भी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और अब आप ये बिल्कुल मानकर ना चलिए कि हम फास्ट ट्रैक में चलेंगे, अब हम बिल्कुल स्लो ढंग से एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करते हुए, आपको समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि अब हम यूज़ करने वाले हैं PHP और MySQLi का, जिसका समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वास्तव में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप लोग PHP MySQLi को ढंग से किसी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करके सीखें, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट बन रहा है आपका। और जब आप इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करके सीखेंगे इन चीज़ों को ना, तो आपको हर एक चीज़ ढंग से समझ में आ जाएगी कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस फंक्शन से हम किस तरह से काम ले सकते हैं, क्या क्या काम ले सकते हैं, कैसे डेटाबेस में हम डेटा को भेजेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे रिट्रैक, हर एक चीज़ आपको बाकायदे ढंग से हम समझाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड्स, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और वहाँ से हम अपनी साइट को डायनेमिक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए अगेन, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं अपने आगे का वर्क। तब तक के लिए टेक केयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।